आजकल थाना प्रभारी का वाहन भी आम हो चले हैं, चाहे जो बैठ जाए चाहे जो फिर कहीं भी यूज कर ले। ऐसा ही एक मामला कटनी जिले के बरही थाने से निकल कर आ रहा है, जहां आज सुबह बरही थाना प्रभारी के वाहन का ड्राइवर शिवम की जगह छोटा भाई सचिन अपने पिता श्री के साथ एक लीटर दूध छिंदियों के वार्ड क्रमांक 14 में तिवारी जी के यहाँ पहुंचकर सिंघम स्टाइल में एंट्री मारी। और क्यों ना मारे, जो वाहन में लगी लाइट पुलिस हर किसी को डराती है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि यह पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं। जब सिंघम स्टाइल में उतरे ड्राइवर से पूछताछ की तो सुट्टे पुट्टे गुल हो गई। कहा कि एक बार माफ कर दो, मत बताइएगा साहब को। वाहन में सिर्फ ड्राइवर के साथ पिताश्री थे, ना कोई सिपाही मौजूद थे। थाने के वाहन से दूध देने आए पिताश्री ने बताया कि इसका ड्राइवर शिवम है, जो घर पर सो रहा है। भाई को मालूम नहीं है, ये उसका छोटा भाई है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस वाहन का दुरुपयोग करती घर के लोग। बड़ा भाई थाना प्रभारी के वाहन का ड्राइवर है तो घर के आम लोग वाहन यूज कर रहे हैं, ऐसे में कोई घटना घटित हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन। फिलहाल थाना प्रभारी को इसकी जानकारी तत्काल दे दी गई है। कटनी से जिला ब्यूरो राजेश केवट की रिपोर्ट। यहाँ किस लिए आए थे? दूध लेके आए थे। हाँ, दे दिए किसके यहाँ दिए? कितना लीटर दूध? एक लीटर। हाँ। तो आपको डर नहीं लगा कि थाने की गाड़ी में हम दूध लेके जाएंगे बेचने तो कोई देखेगा सिपाही लोग? तब ये खराब रहता वाले लाइके दूध दूध लाइके कब होनी है तो आज तक नहीं आई तो का दवाई करवा लेनी हो। इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर कौन है? शिवम है। हाँ, तो वो लेके नहीं आया है ना, भाई को गाड़ी दे दिया ऐसा? हाँ, वहाँ पे सूट रहो वही तो मतलब चोरी में गाड़ी लेके आ गए है ना फिर? हमारी भाई सो रहा तो चोरी हो गई, फिर उठा के लेके चले आए। क्या नाम है आपका? गोविंद। कहाँ से है? करौंदी। छोट करौंदी बड़ी करौंदी?